बीजेपी के सामने टिकट बांटने की भी एक बड़ी चुनौती है। बीजेपी 39 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर चुकी है और अब बीजेपी की दूसरी सूची का इंतजार बेसब्री के साथ किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी 60 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अपनी दूसरी सूची में कर सकती है। सूची में देरी की वजह कुछ सीटों पर फंसा पैच बताया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद, इस पैच के बावजूद 16 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी ने सिंगल नाम तय कर दिए हैं और 7 सीटों पर पैच ज्यादा फंसा हुआ है। वहीं 3 सीटों पर पैनल में सांसदों के नाम दिए गए हैं। देखिए कौन सी सीट पर किसका सिंगल नाम तय बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 60 में से 16 यानी महज 27% सीटों पर ही बीजेपी सिंगल नाम तय कर पाई है। इनमें दमोह से सिद्धार्थ मलैया, भिंड से संजीव सिंह जो बीएसपी से बीजेपी में शामिल हुए हैं, बिजावर से राजेश शुक्ला जो समाजवादी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए हैं, परसवाड़ा से प्रदीप जायसवाल जो पहले निर्दलीय थे और अब बीजेपी में, राघवगढ़ से हीरेंद्र सिंह बंटी, शाजापुर से अरुण भीमावत, राजनगर से अरविंद पटेरिया, जबलपुर उत्तर से धीरज पटेरिया, वड़नगर से मुकेश पंड्या, निवास से राम प्यारे कुलस्ते, बैतूल से हेमंत खंडेलवाल, बुरहानपुर से अर्चना चिटनिस, नागदा से दिलीप सिंह शेखावत, श्योपुर से दुर्गालाल विजय, कोलारस से महेंद्र यादव और लखनादौन से विजय कुमार उइके का नाम शामिल है। अब जिन सीटों पर पैंच फंसा है उनकी संख्या 7, यहाँ क्या पैंच फंस रहे हैं वो भी देख लेते हैं। कटंगी, गौरव पारधी या बोध सिंह भगत? बोध सिंह भगत पूर्व सांसद हैं, नए मंत्री गौरीशंकर बिसेन के साथ उनकी पटरी बिल्कुल भी नहीं बैठती। यदि बिसेन का वीटो चला तो भगत की जगह नए चेहरे गौरव को मौका मिल सकता है। ग्वालियर दक्षिण से नारायण सिंह कुशवाह और अनूप मिश्रा। नारायण सिंह पिछला चुनाव मामूली अंतर से हारे थे और वो फिर यहाँ से उम्मीदवारी चाहते हैं। अनूप मिश्रा भी यहीं से उम्मीदवारी कर रहे हैं। अमरवाड़ा से उत्तम ठाकुर और कामिनी शाह। उत्तम पूर्व विधायक प्रेम नारायण ठाकुर के बेटे हैं। कामिनी शाह भी मजबूत दावेदार हैं। बरासिया से ताराचंद बावरिया और ज्योति देहरिया। पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया ने यहां पर अपनी दावेदारी का पैच फंसा दिया। जबलपुर पश्चिम, अभिलाष पांडे और प्रभात साहू। अभिलाष पांडे युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पिछली बार भी वो दावेदार थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। पूर्व मेयर प्रभात साहू 2 चुनाव से दावेदारी कर रहे हैं। सतना से शंकरलाल तिवारी, रत्नाकर चतुर्वेदी और लक्ष्मी यादव। शंकरलाल 2 बार से विधायक हैं, फिर दावेदारी कर रहे हैं, पिछली बार उनका टिकट काट दिया गया था। गाडरवारा से गौतम पटेल और साधना स्थापक। साधना स्थापक कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई हैं, वो 2 बार से यहाँ विधायक रह चुके। साथ ही 3 सीटें ऐसी हैं जहाँ सांसदों के नाम भी पैनल में शामिल है। तेंदुखेड़ा से विश्वनाथ प्रताप सिंह और सांसद राव उदय प्रताप सिंह। सिहावल से सांसद रीति पाठक और विश्वामित्र पाठक। सैलाना से सांसद गुमान सिंह डामोर, नारायण मेढ़ा और संगीता चारे। बाकी बची हुई सीटों पर बीजेपी में मंथन चल रहा है। जिस तरह से 39 सीटों के जो नाम डिक्लेयर किए गए हैं उनमें 2013 के विधायकों को भी टिकट दिया गया है, तो अब बीजेपी ये भी देख रही है कि क्या संभावनाएं बनती हैं। साथ ही इन सीटों पर 10,000 वोटों से चुनाव हार चुके प्रत्याशियों को टिकट दिया जाए या नहीं, इसे लेकर भी मंथन चल रहा है।